नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गीता गुप्ता। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है बेनाम रिश्ता और इसको लिखा है लेखिका मृदुला सिन्हा जी ने। दोस्तों, कहानी बेनाम रिश्ता के पहले भाग में आपने सुना कि चित्रा जी को शालिग्राम जी का इनविटेशन कार्ड और पत्र मिलता है और वो बहुत सोचने के बाद उनके घर भोपाल जाने का मन बना लेती हैं। शालिग्राम जी के घर पहुंचने पर सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल होता है कि कौन है चित्रा जी और क्या रिश्ता है उनका शालिग्राम जी के साथ। तो आइए इस बेनाम रिश्ते के सच को जानने के लिए सुनते हैं लेखिका मृदुला सिन्हा जी की द्वारा लिखित कहानी बेनाम रिश्ते का दूसरा व अंतिम भाग। गेस्ट हाउस में आराम करते हुए चित्रा जी का मन कई मसलों में उलझ गया था। बहुत दिनों बाद 25 वर्ष पूर्व घटी घटना का संपूर्ण दृश्य नजरों के सामने रूढ़ हो गया। शिमला से गाड़ी में पति पत्नी और दोनों बच्चों का कुल्लू मनाली के लिए प्रस्थान, थोड़ी दूरी पर जाते ही गाड़ी का गड्ढे में गिरना, पति के सिर में चोट आना, उनका होश नहीं लौटना, डॉक्टर से बातचीत, बेहाल बेहोश चित्रा जी के सामने डॉक्टर की एक मांग, मांग पर शीघ्रता से विचार करने का आग्रह, अकेली खड़ी चित्रा जी, दो नन्हे बच्चे माँ से चिपके, अपना पराया कोई साथ ना था। निर्णय लेना था चित्रा जी को, सब कुछ चला गया था उनका, जो बचा था उसकी मांग थी। चित्रा जी ने वो वस्तु देना स्वीकार कर लिया जो उनकी थी, डॉक्टर का सुझाव, और फिर मृत्यु के करीब गया व्यक्ति जीवित हो गया। स्मृतियों में जीवित था सब दृश्य, कभी कभी जीवंत हो जाता, पर चित्रा जी ने दृढ़ निश्चय कर उन यादों को नजर के सामने से हटा दिया था। शुभ शुभ का अवसर था, जो बीत गई वो बात गई। कविता वो क्लास में पढ़ाती आई है, जिस लड़की का विवाह है उसके लिए शुभ सोचना है, अवसर और समय की यही मांग थी। 12 दरवाजे लगी, स्वागत में खड़े स्त्री पुरुष तिरछी नजरों से चित्रा जी की ओर अवश्य देखते रहे। प्रश्न वही, कौन है ये, क्या रिश्ता है शालिग्राम जी से। शालिग्राम जी ने द्वार पर ही अपने समधी से चित्रा जी का परिचय कराया था। उनकी दो सालियां अपने पतियों के साथ वहीं खड़ी थी, उनका परिचय नहीं करवाया था, और ये खबर उस भीड़ भरे स्थल पर भी आसानी से यात्रा कर गई, सबको मिल गई ये खबर। बाराती और घराती के भोजन करने के बाद विवाह की रस्म पूरे किए जाने लगे। शालिग्राम जी को पंडित जी द्वारा मंडप पर कन्यादान के लिए बुलाया गया। मंडप पर बैठने के पूर्व उन्होंने चारों ओर निगाहें घुमाई, उनकी दृष्टि के सम्मुख वो चेहरा नहीं आया जिसकी उन्हें खोज थी। उनके आसपास मंडप पर बैठी उनकी बहनों और सालियों ने भाप लिया था। दो तीन एक साथ बोल पड़ी, वहां है आपकी मेहमान। देखा माला ने भी, मानो खींच कर बोली, अब बैठ जाइए, मंचित लगाकर कन्यादान करिए, इसी काम के लिए मेहमानों सारा इंतजाम है, बैठिए। शालिग्राम जी ने ऊंची आवाज में कहा, चित्रा जी आप इधर आइए, मंडप पर बैठिए, मेरी बेटी को आपका विशेष आशीर्वाद चाहिए। चित्रा जी अंदर से हिल गईं और ऊपर से उपस्थित जनों की निगाहों के तीरों से बिंध गईं। वो परेशान तो थी ही, अपने स्थान पर खड़ी होकर बोली, आप लोग शुभ कार्य के लिए वहां उपस्थित हुए हैं, बेटी का कन्यादान करिए, मुझे यहीं बैठना है, मैं विधवा हूँ, मेरा सुहाग नहीं है। समाज ऐसी महिला को किसी सौभाग्य आकांक्षिणी को सुहाग देने की मनाही करता है। मैं दिल से आपकी बेटी का शुभ चाहती हूँ, इसलिए दूर बैठी हूँ, आप अपना पुनीत काम पूरा करें, मेरी चिंता छोड़ दें। वे बैठ गईं। मैं नहीं मानता ऐसे समाज के विधान को, मेरे परिवार के लिए, मेरी बेटी के लिए आपसे बढ़कर कोई शुभ नहीं हो सकता, आपकी कृपा के बिना तो ना मैं होता और ना ही मेरी बेटी। आइए, आप मेरी प्रार्थना मानकर मेरी बेटी का कन्यादान करिए। फिर तो पंडित जी भी परेशान हो गए, बोले, शालिग्राम जी आपकी मेहमान महिला ठीक कह रही है, आप कन्यादान करिए, अपनी पत्नी को साथ बिठाइए, मंडप पर बैठी सभी महिलाएं सुहागन ही है। शालिग्राम जी बिफर पड़े,
आप सब आज सुबह से चित्रा जी का परिचय जानने के लिए परेशान है ना? आपके बीच तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। कार्य व्यवस्था में भी मैं आपके प्रश्नों के बाणों से बिंधता रहा। जब तक मैं उनका परिचय ना दे दूं, आप सबों का ध्यान भी विवाह के रस्म रिवाजों पर केंद्रित नहीं होगा। तो सुनिए, और जो कुछ शालिग्राम जी ने सुनाया, सुनकर वहां बैठे उपस्थित लोगों के प्रश्न तो चुके ही, वे सब चित्रा जी के प्रति नतमस्तक हो गए, वे अवाक रह गए। 25 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में चित्रा जी के पति घायल हो गए। उनके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। जिस हॉस्पिटल में उन्हें लाया गया, उसी के एक कमरे में मैं ऑपरेशन बेड पर लेटा था। मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स ने निर्णय लिया था, किसी का धड़कता दिल मिलने पर हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है। आंख दान, किडनी दान जैसे अंग दान की बात तो सुनी गई थी, देह दान भी होने लगा था, पर हृदय दान तो तभी हो जब वो धड़कता हो, और जब तक दिल धड़कता है आदमी जिंदा है, भला जीवित का हृदय कोई क्यों दान करे। चित्रा जी के पति का दिल धड़क रहा था, मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया था। डॉक्टर शर्मा ने इनसे अनुरोध किया, आपके पति को अब हम नहीं बचा सकते, पर आपकी सहमति हो तो इनका दिल किसी और के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, वो जिंदा हो सकता है। सुझाव सुनकर चित्रा जी पर क्या बीती मुझे नहीं मालूम, और किसी ने जानने की कोशिश भी की कि नहीं मालूम नहीं। चित्रा जी ने अनुमति दे दी थी। मेरा दिल पिछले 25 वर्षों से धड़क रहा है, ये मेरा नहीं इनके पति का दिल है, पर पिछले 25 वर्षों में इन्होंने एक बार भी एहसान नहीं जताया। इन्होंने तो मुझे तब भी नहीं जाना ना देखा था, मैंने भी नहीं। इन्होंने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, पर मैं बहुत बेचैन था। जीवन देने वाले के प्रति आभार भी नहीं प्रकट कर सका था मैं। 2 वर्ष पहले उनके शहर में गया, डॉक्टर शर्मा मिल गए। मेरा दुर्भाग्य कि इनसे तब भी भेंट नहीं हो सकी मेरी। डॉक्टर शर्मा से इनका मोबाइल नंबर मिल गया। फोन पर ही मैंने इन्हें अपना परिचय दिया, मनोहार पत्र भेजा और फिर निमंत्रण। बहुत आग्रह करने पर ये मेरी बेटी के विवाह पर आई हैं। मैंने भी इनको आज सुबह ही पहली बार देखा। अब आप ही सोचिए पंडित जी, हमारे परिवार के लिए इनसे बढ़कर शुभ और कौन होगा? मेरे विवाह और मेरे बच्चे होने के पीछे भी यही तो है। मैं हूँ तभी तो सब है। कन्यादान की रस्म के समय तो सबकी आंखें भरती हैं। शालिग्राम जी ने तो कन्यादान के पहले ही उपस्थित सभी आंखों में पानी भर दिया। माला मंडप पर से उठी, सीधे चित्रा जी के पास पहुंची, पैर छूकर आशीष लिए और हाथ पकड़कर मंडप पर ले आई। महिलाओं के झुंड ने आंसू पोंछकर गाना प्रारंभ किया, शुभ हो शुभ, आज मंगल का दिन है, शुभ हो शुभ। रिश्ते को नामकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। अनेक रिश्तों से भरा था प्रांगण, पर सबसे ऊंचा हो गया था शालिग्राम जी और चित्रा जी का रिश्ता। बेनाम था तो क्या। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता, खुशबू।